मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं हमारा उमर इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि तीन सर्किट को एक बटन से एक स्विच से कैसे कंट्रोल किया जाता है। ये हमारे पास बोर्ड है, हम इसके स्क्रू जो हैं पे सबसे पहले खोलते हैं। इसको खोलने के बाद हम अब इस शीट पे जो सॉकेट है वो फिक्स करेंगे इसके स्क्रू खोलने के बाद। इस तरह से हमने तीनों जो सॉकेट्स हैं वो शीट के ऊपर फिक्स कर लेनी है। ये इसी तरह से दूसरी सॉकेट भी फिक्स कर ली हमने। इसके स्क्रू जो हैं वो हम टाइट कर लेंगे और इसके बाद तीसरी सॉकेट जो है वो हम फिक्स करेंगे। ये अब हम तीसरी सॉकेट जो है इसके स्क्रू टाइट करके इसे फिक्स कर लेंगे शीट के ऊपर। बिल्कुल आसान सर्किट है, आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। ये अब स्विच है, हम स्विच के स्क्रू खोल के जो है इस शीट के ऊपर फिक्स करेंगे। ये अब हम बटन के जो नट हैं वो टाइट करेंगे और इसको फिक्स करेंगे शीट के ऊपर। अब ये जो हमारा शीट के ऊपर तीन सॉकेट और एक स्विच जो है फिक्स हो चुके हैं। अब अगला मरला है कि इसके कनेक्शन कैसे करने हैं। सबसे पहले जो है तीनों सॉकेट्स में से हाफ फेज जो है बटन को देना है, स्विच को देना है। तीन सॉकेट के जो तीन स्क्रू हैं उसको हमने लूज़ करना है। लूज़ करने के बाद जो है हाफ फेज जो है सॉकेट से लेकर हमने स्विच को देना है। ये पहले हम सॉकेट में हाफ फेज कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद जो स्क्रू हैं स्क्रू हम टाइट करेंगे। याद रहे कि जो भी आप कनेक्शन देते हैं, हाफ फेज देते हैं या फेज देते हैं या न्यूट्रल देते हैं, तो इसके जो स्क्रू होते हैं सॉकेट हो या स्विच हो इसके स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट करें ताकि हमारा जो सर्किट है वो स्पार्क ना करे। स्पार्क करने की वजह से हमारा सॉकेट या स्विच जो है ख़राब ना हो। ये जी हाफ फेज हमने तीन सॉकेट को दे दिया है और जो स्विच है स्विच को हम कनेक्ट करेंगे, तब जो है हमारा हाफ फेज जो है स्विच से लेकर सॉकेटों को जो सप्लाई देगा वो मुकम्मल होगा। अब इसको हाफ फेज दे के हम इसके स्क्रू को टाइट करेंगे। याद रहे कि कोई भी स्क्रू जो है लूज ना रहे ताकि हमारा जब सर्किट या सप्लाई या बोर्ड कोई भी ऑन हो तो स्पार्किंग ना करे और हमारा कोई भी स्विच और सॉकेट जो है ख़राब ना हो। ये हमारा फेज मुकम्मल हो चुका है, हाफ फेज बटन से लेकर सॉकेटों तक। अब हम न्यूट्रल देंगे तीनों सॉकेटों को। इस तरह से हमने तीनों सॉकेटों को कॉमन कर लेना है वायर से। याद रहे कि
सॉकेट और स्विच में जो भी आप कनेक्शन देते हैं उसमें अच्छी वायर इस्तेमाल करें, कॉपर वायर इस्तेमाल करें, ताकि हमारा जो है सर्किट स्पार्किंग वगैरह ना करे, लूज़ ना हो। एहतियात करें कि सिल्वर की जो तार है वो बोर्ड की वायरिंग में या कनेक्शन करने में इस्तेमाल ना हो। जितनी अच्छी वायर इस्तेमाल होगी इतना ज़्यादा जो हमारा सर्किट है अच्छे तरीके से काम करेगा। ये हमने अब दे लिया जी न्यूट्रल, तीनों साकटों को कॉमन किया, इसके स्क्रू हम टाइट करेंगे। ये हमारा न्यूट्रल जो है मुकम्मल हो गया तीनों साकटों को। इजाफी वायर जो है हम निकाल लेंगे। ये अब न्यूट्रल जो है तीनों साकटों में मुकम्मल हो गया। ऊपर वाला हाफ फेज है बटन से लेकर साकटों तक दिया गया। अब हम इसको मेन सप्लाई देंगे। याद रहे कि जो स्विच है स्विच में आपने फेज देना है मेन सप्लाई का, और न्यूट्रल जो है न्यूट्रल में आपने न्यूट्रल का कनेक्शन देना है। बटन जो है स्विच जो है स्विच में हमेशा फेज लगता है, तो हम पहले जो है फेज देंगे। देसी ज़बान में है कि गर्म कनेक्शन जो है हम स्विच को देंगे और ठंडा जो है वो सॉकेट में देंगे। ये हमने फेज जो है बटन को दे दिया। अभी न्यूट्रल हम सॉकेट में कनेक्शन करने लगे हैं। ये हमारा जो बोर्ड है अब तैयार है। ये हमने हाफ फेज दिया बटन से लेके साकटों तक, ये हमने फेज दिया स्विच को और साकटों को न्यूट्रल दिया। ये हमारा बोर्ड रेडी है। अब हम कोई भी टेस्ट लैंप लगा के या कोई भी चीज़ यहाँ पे चला के हम चेक करेंगे। याद रहे कि जो भी सर्किट बनाया जाए उसे पहले चेकअप ज़रूर करें। ये अब टेस्ट लैंप को हम सॉकेट में लगाएंगे और बटन वगैरह ऑन करेंगे, और इससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो सर्किट है बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे अब ये हम बल्ब रोशन करेंगे जी। जो तीनों सॉकेट हमने एक स्विच पे कंट्रोल किया, हम तीनों सॉकेट को चेक करेंगे। ये देखे फर्स्ट वाली जो हमारी सॉकेट है बिल्कुल क्लियर है। अभी हम सेकंड वाली करेंगे इसको टेस्ट। ये सेकंड वाली जो है ये भी बिल्कुल क्लियर है, और ये लास्ट में तीसरी बिल्कुल क्लियर है। जो भी दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल